हाय गाइस, हाउ आर यू। बहुत ही बड़ा अपडेट, फ्लीट के ऑफिशियल नोटिफिकेशन इज आउट नाउ। दे विल बी कमिंग इन दिसंबर फॉर देयर टेस्ट, बट उनके फॉर्म्स इसी नवंबर में चालू हो जाएंगे। ठीक है, इसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन जानने से पहले सब्सक्राइब करो, नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है उसको सब्सक्राइब करो। मैं बहुत और कंपनीज का फुल इन्फॉर्मेशन लेके आने वाला हूँ, बट पता कैसे पड़ेगा अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो। सो सब्सक्राइब एंड लेट्स गो टू दिस वीडियो। 1 2 3 फक इट। So the official notification is out. Their first round of DNS selection for this Feb batch 2024 has been out. अब क्या होने वाला है, एक एमसीक्यू टेस्ट होने वाला है सबसे पहले, जिसके बाद होगा इंटरव्यू एंड उसके बाद होगा साइकोमेट्रिक टेस्ट। इनके सारे ऑफलाइन ही होते हैं, कुछ ऑनलाइन नहीं होता इनका, तो यू नीड टू रिमेम्बर दिस थिंग। ना उन्होंने सीट्स भी बता दिए कि वो लोग कितनी सीट्स अलॉट किए कौन से इंस्टीट्यूट को। IMI को 20 सीट्स अलॉट की हुई है, ठीक है, एंड बाकी सीट्स उन्होंने TS रहमान को अलॉट की हुई है। इस बार AMET का ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, बट AMET हैज ऑलरेडी सेड दैट फ्लीट एंड V-ships विल बी कमिंग। सो क्या लॉजिक है इसके पीछे? इन्होंने अभी फ्लीट ने सिर्फ फर्स्ट राउंड ऑफ सिलेक्शंस के बारे में बताया, ओनली अबाउट द 40 सीट्स। तो अभी अपन ने सिर्फ 40 सीट्स के बारे में बताया कि 20 TS रहमान एंड 20 IMI। सेकंड राउंड ऑफ सिलेक्शन में AMET विल कम इनटू द पिक्चर, ठीक है। अब IMI में कब टेस्ट होने वाला है? IMI में 5th दिसंबर को टेस्ट होने वाला है। ऑनलाइन सीधा टेस्ट उनके नोएडा वाले सेंटर पे ही होगा। इंटरव्यूज 6th and 7th होगा, गुड़गांव के ऑफिस में ही होगा फ्लीट के, तो उधर ही हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन 15th November to 30th November ही रहेगा, ओनली फॉर दीज 15 डेज रजिस्ट्रेशन विल बी ओपन। देखो, अब इसमें उन्होंने एक और चीज बोली है कि द चॉइस ऑफ एग्जाम सेंटर इज नॉट योर प्री डिसाइडेड प्री सी, जो जगह पे आप जाके ट्रेनिंग करने वाले हो, योर प्री सी इंस्टीट्यूट, ठीक है। सो अब उन्होंने कॉन्टैक्ट पर्सन का भी नाम दिया हुआ है IMI में, मिसेस सपना चौधरी, उनका नंबर भी मैं नीचे डाल दूंगा, ईमेल एड्रेस उन्होंने भी नीचे दिया हुआ है, बाकी वो TS रहमान पे भी करने वाले हैं। मैं अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आ जाता हूँ आप लोग के लिए। एज शुड बी 20 और लेस एज ऑफ 1st January 2024 1st जनवरी से पहले 20 से कम की एज होनी चाहिए, ठीक है। 12th क्लियर इन 2023 ओनली, 2 साल से ज्यादा का गैप नहीं रहना चाहिए आपकी 10th एंड 12th के बीच में, ठीक है। मिनिमम PCM स्टैंडर्ड इज 70% इन योर क्लास 12th एज वेल एज इंग्लिश ऑल्सो 70%। अब जो NIUS बोर्ड के स्टूडेंट्स है, ओपन बोर्ड के स्टूडेंट्स है, यू गाइज आर नॉट एलिजिबल, सो अभी ये वीडियो बंद कर सकते हो जो भी NIUS बोर्ड का है। हाइट इज मिनिमम 160 सेंटीमीटर, BMI आपका शुड नॉट बी मोर देन 25, ठीक है। BMI के लिए ये लोग वेरी, दे आर एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट। टेस्ट क्लियर कर दोगे, इंटरव्यू में जाओगे, वो सीधा आपका देखेंगे कि यू आर लिटिल फैट और यू आर ओवर वेट, वो उसी टाइम भगा देंगे, इंटरव्यू भी नहीं लेंगे आपका, ठीक है। आईसाइट शुड बी 6x6 विदाउट एनी एड, मतलब बिना चश्मे के बिना लेंस के 6x6 होना चाहिए, एंड कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए। तो ये सब कुछ रिक्वायरमेंट्स है फ्लीट की, ठीक है, जो कि आपको टेस्ट और इंटरव्यू के टाइम फेस करना पड़ेगा। अब कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपको टेस्ट कैसे क्लियर करना है, व्हाट इज द परफेक्ट स्ट्रेटजी टू क्लियर दैट, तो कल ही हम एक सेशन कंडक्ट करने वाले हैं, उसका गूगल फॉर्म भी हमने नीचे दिया हुआ है, वो वही बच्चा कर पाएगा जो गूगल फॉर्म भरेगा। तो नीचे गूगल फॉर्म का लिंक दिया, गूगल फॉर्म को जाके भरो। हम फ्लीट की परफेक्ट स्ट्रेटजी के बारे में बताने वाले हैं। बडिंग मरीनर्स का बैच इज ऑल्सो ओपन फ्रॉम 10th of November, जहां पे हम परफेक्ट प्रिपरेशन करवाने वाले हैं कंपनी स्पेसिफिक, दैट इज फ्लीट, एंग्लो ईस्टर्न, ग्रेट ईस्टर्न, हर चीज की। ग्रेट ईस्टर्न में हमारे 20 बच्चे जा चुके हैं, उसमें से 19 को मेडिकल के लिए मेल भी आ चुका है। सो दिस इज द करंट स्टैट्स ऑफ बडिंग मरीनर्स, ठीक है। तो दिस इज द रियलिटी। अब फ्लीट के लिए भी जितने भी बच्चे जाएंगे सारे क्लियर करेंगे ही करेंगे। लास्ट ईयर ऑल्सो 40 स्टूडेंट्स क्लियर फॉर फ्लीट। तो दिस इज द करेंट स्टैट। आप गूगल फॉर्म का नीचे लिंक दिया हुआ है, उसको जाके भरो, ताकि आप लोग एक सेशन, फ्री सेशन जो कि हम कंडक्ट करने वाले हैं, जिसमें हम सब कुछ बताएंगे कंपनी के बारे में, कैसे टेस्ट होता है, क्या होता है, ईच एंड एवरीथिंग। नीचे एक व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया है, उसको भी जाके ज्वाइन करो, ठीक है। अब स्टाइपेंड कितना है और क्या क्या अलग चीज है वो बताता हूँ। स्टाइपेंड इनका $790 है, 490 आपको इन हैंड मिलता है, 300 आपको थर्ड ऑफिसर बनने के बाद हर महीने ऐड होते होते मिलता है। टॉफल कंपलसरी है विद स्कोर ऑफ 75,
अब टॉफल क्या है? टॉफल एक इंग्लिश का टेस्ट है जो कि बाहर की कंपनियां मांगती हैं, लेकिन अभी मैरिटाइम कंपनीज में सिर्फ टॉफल फ्लीट में ही मांगते हैं और उधर कंपलसरी है, तो डीएनएस के बाद आपको ही करना पड़ता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया, स्टाइपेंड मैंने आपको बता दिया, सबसे इंपॉर्टिंग पीरियड। अब वेटिंग पीरियड पे आऊं तो 1-1.5 मंथ का मैक्सिमम वेटिंग पीरियड है। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्लीट। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन जाननी है तो सब्सक्राइब करो यार, बेल नोटिफिकेशन दबाओ, वरना कैसे पता पड़ेगा। और कंपनी की तगड़ी तगड़ी इन्फॉर्मेशन मैं लाने वाला हूँ, ठीक है। इसी के साथ बेस्ट बात है, फॉर्म भरो। फॉर्म भरोगे ना तो परफेक्ट सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि आपको एक कॉन्टैक्ट भी करेंगे हम लोग और आपको एक ग्रुप में भी ऐड करेंगे। बट ग्रुप में हम नहीं ऐड कर पाए तो खुद ही ऐड हो जाओ, उसी ग्रुप में ऐड करना है। नीचे एक व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ है, उसमें ऐड हो जाओ ताकि हमारा कल वाला सेशन आप सब देख पाओ, ठीक है। तो आई विल मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।